नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करूँगा आज 2 रुपये के पैनी शेयर के बारे में। ठीक है, जो पैनी स्टॉक है आपका ऑलमोस्ट 32% टूट चुका है अपने हाई से, और एक ही दिन में स्टॉक पे 55% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। अगर आप कोई पैनी स्टॉक ढूंढ रहे हो बिलो 5 रुपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ने 2019 के आसपास डिविडेंड भी दिया है ऑलमोस्ट 30 से 50 पैसे के बीच में। तो डेफिनेटली स्टॉक को नज़रों में रखो। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में अनाउंस करे जहां कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ था, और स्टॉक में लास्ट 4-5 दिनों से अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और बहुत बार मैंने इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करी है, ठीक है, काफ़ी ऊपरी लेवल्स में हम ऑलरेडी इसमें फंसे हुए, और थोड़ा नीचे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है स्टॉक को एवरेज करने की। राइट, तो दिखाता हूँ मैं स्टॉक का नाम, और अभी आप स्टॉक में क्या करके चल सकते हो जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो यार मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इनवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, नाम तो याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 5 दिनों के अंदर स्टॉक ने 16% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और आपको याद होगा इस स्टॉक ऑलमोस्ट, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है जिनको याद, ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, उसके बाद स्टॉक दोबारा नीचे आया, एवरेज किया हमने, और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। और जैसे आपको पता है, स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, पहली बात तो, और दूसरा इसने एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, जैसे हमारी एक स्ट्रैटेजी थी। अगर मेरे आपने पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बहुत क्लियर कहा था, स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो यहाँ पर, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा यू कैन इन्वेस्ट समथिंग, और साथ में जैसे ये 13 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा यू कैन बाय द स्टॉक। ठीक है, कम से कम 2 रेड कैंडल, 2 हरे कैंडल, ठीक है, बाय करके चल सकते हो। दिखाता हूँ आपको मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा। पहले एक बार कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कर लो जल्दी जल्दी, वैसे मैंने बहुत बार बताया फिर भी एक बार दोबारा हम एक बार रिव्यू मार लेते जल्दी जल्दी। देखो कंपनी काम का आपको पता चल रहा होगा ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ का है। ठीक है, तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग का काम है, 9% ROC हमें देखने को मिल जाता है, और डिविडेंड एल डब्ल्यू 0 है, क्योंकि 2019 में कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया था, और कंपनी ने 10:1 का स्प्लिट भी किया है 2020 और 21 के बीच में। तो कंपनी का प्राइस जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर बोल सकते हो कि इसमें स्प्लिट मारा गया है, इस वजह से स्टॉक का प्राइस इतना डाउन है, अदरवाइज तो उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है। नीचे लेके चलता हूँ तो देखो, कंपनी अच्छे नंबर्स के साथ आ सकती है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखो 39% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो भाई ये जो पॉइंट ना काफ़ी औसम है, लॉन्ग टर्म अगर बाय करना है स्टॉक को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर चाहिए कोई पैनी स्टॉक, तो ये स्टॉक हो सकता है। ठीक है, बाकी एक बार आप देख लो कंपनी के सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट्स। ठीक है, 3 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, सेल्स आपके सामने। राइट, अगर बात कर जून में 11 करोड़ का सेल्स है, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 18 करोड़ का प्रॉफिट है, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। बाकी बैलेंस शीट भी चेकआउट कर लो। ठीक है, देखो आपका जो रिजर्व है बढ़ रहे, और डेट कंपनी ने अभी बढ़ाया है, डेफिनेटली ग्रो करना चाहती होगी इसलिए डेट बढ़ाया है। और बाकी अगर बात करें होल्डिंग पैटर्न, तो 27% प्रमोटर्स का पैसा है, और बाकी पब्लिक की होल्डिंग 72% हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको समझ आ गया कंपनी कैसी है। बाकी अगर एक बार देख लो उसके कि इसमें कैसा काम का चल रहा है, फ्राइडे वाले दिन कैसा काम का जो स्टॉक में ऑलमोस्ट 53% की डिलीवरी उठाई गई है, और ऑलमोस्ट 85 लाख क्वांटिटी लोग लेके गए, तो 85 लाख क्वांटिटी दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। और ये स्टॉक में लोग घर क्यों लेके गए, उसका एकमात्र रीज़न है, आपको दिखला दूँ। ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न मैं खोल देता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकंड, ये रहा आप देख सकते हो, ये खोल दिया मैंने। एंड जैसा आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था आपको अप्लाई करना है 13 मूविंग एवरेज, 13 नंबर का मूविंग एवरेज, फील क्लोज रहेगा, टाइप सिंपल रहेगा, आपको डन कर देना है। और आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और यहाँ पर 2 हरे कैंडल क्लोज करे, तो यहाँ स्टॉक को आप कहीं भी स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, मतलब अराउंड 2 रुपी 60 पैसे के आसपास हमारा बाय एक्टिव हुआ है। जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होता है डेफिनेटली उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जब भी कोई स्टॉक किसी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड क्लोज करता है, तो आप स्टॉक को बाय बाय करो, और जब भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है उसको सेल सेल करो। कहने का मतलब क्या है, जो स्टॉक है ना, मेरी खुद की एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं हर स्टॉक के लिए एक मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूँ, तो मेरा जो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी शेयर है इसमें निकल के आता है 13 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो आप भी स्टॉक को अप्लाई करके चल सकती हो 13 नंबर का मूविंग एवरेज, जिनको नहीं पता है वो अप्लाई कर लीजिए। और साथ में देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब ट्रेंड का ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, ठीक है, जैसे ही होगा तो स्टॉक में बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आप देखते कि कल मंडे वाले दिन क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है या क्लोज कर देगा, अगर कर देगा तो स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। वैसे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डिप बाय करके चल सकते हो, कहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज करा है,
तो हमारा डिब्बा बनता है 2 रुपये 65 पैसे के आसपास। स्टॉपलॉस लगाना है आपको सिंपल सा, सिंपल सा मतलब जैसे ही दोबारा इसी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा एक रेड कैंडल, यू कैन सेल द स्टॉक, यू कैन सेल द स्टॉक, राइट। क्या बोला? जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज करेगा यू कैन सेल द स्टॉक, समझ आया? तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है इस छोटे से स्टॉक में जो मात्र 2 रुपए का स्टॉक है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। अब जो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक है रहने चाहिए एज पर माई स्ट्रेटजी, एज पर द चार्ट पैटर्न, यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 3 रुपी 40 पैसे, 3 रुपी 40 पैसे इज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इन्वेंचर एंड ग्रोथ। समझ आया? लाइक ठोको, शेयर ठोको, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको नहीं पता है ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मेक श्योर आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। कुछ ना कुछ पैनी स्टॉक यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ पैनी स्टॉक के बारे में, ठीक है। जो पैनी स्टॉक बहुत पहले इतने रुपए में ट्रेड किया करते थे, जैसे आपको पता है पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी, मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिए एग्जाम्पल के तौर में, ये आपको दिख रहा है, लोग को लग रहा होगा ये स्टॉक ना 4 रुपए का चले गया, तो आप तब क्यों बता रहे हो? भाई बता नहीं रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ। अपडेट का मतलब होता है कि भाई पैनी स्टॉक में पैसा बन सकता है। ये जो पैनी स्टॉक आपको दिख रहा है क्या, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक आपको हमने 44 पैसे में बाय दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय करो, अगर तुम्हारी तुम्हें लगता है तो तुम बाय करो, भाई बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं होती है। अब 44 से 4 रुपये 27 पैसे हो गया, अब रिटर्न कैलकुलेट कर लो कि कितना अच्छा पैसा स्टॉक ने हमें कमा के दिया है। मैंने कुछ स्टॉक में पैसा डाला था अपनी अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, मतलब मैं अगर महीने के 10,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 200 रुपये से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रूल क्या कहता है, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 2%, 2% कितना निकल के आता 10,000 का, 200 रुपये, समझ गए? 200 रुपये अगर इसमें लगाया होता तो 200 रुपये आज आपका कितना होता, तुम्हें पता है कितना होता? कर लो कैलकुलेट बैठ के, 2 से 3,000 रुपये बन जाता हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर 200 रुपये क्यों लगाना था, बड़ा लगा लेते भाई, लगा लो बड़ा, तब आपको पता चल जाएगा कि बड़ा छोटा क्या होता है, राइट। तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सी यू।